दोस्तों, ये है नौकोट रेलवे स्टेशन जो अब बिल्कुल वीरान पड़ा है। और ये वो स्टेशन है कि जब जमड़ाऊ रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकलती थी तो इसका आखिरी स्टॉप ये था, और पिथौरो साइड से भी अगर ट्रेन निकलती थी तो ये इसका आखिरी स्टॉप था, क्योंकि ये सी लाइन का ये बिल्कुल टॉप था। खोखरा पार हैदराबाद ब्रांच लाइन से ये लाइन निकलती थी और इसमें बहुत से रेलवे स्टेशन आते थे। इसमें जब ये जमड़ाऊ जंक्शन से निकलती थी, मीरपुरखास से थोड़ा आगे आएंगे तो जमड़ाऊ जंक्शन होगी, और तो वहाँ यहाँ से ट्रेन आ रही होती थी कि जमड़ाऊ के बाद झलूरी, जमसाबाद जो इस वक्त कोट गुलाम मंद है, फिर काछेलो, डिगड़ी, टंडो जानमामंद, झुड्डो और ये नौकोट। इससे पहले छोटा स्टेशन रोशनाबाद भी आता था। ये सामने नौकोट शहर है, ये एक प्लेटफार्म है सामने वाला और ये स्टेशन वाला प्लेटफार्म है। तो यहाँ जब ट्रेन आती थी तो यानी सी लाइन है ये, तो यहाँ से फिर मुड़ जाती थी नफीस नगर, ट्राली, नबीसर रोड, कुंडरी, साले बमरो, और इससे पहले सामारो रोड, बचाबंद, और पिथौरो से जाके फिर पिथौरो एक जंक्शन है खोखरापार हैदराबाद ब्रांच लाइन पर, तो उस जंक्शन पर दोबारा जाकर ये उसी लाइन पे चढ़ती थी। तो ये सी लाइन इस तरह मुकम्मल होती थी। एक बड़ी ये लाइन थी, इसका जो ट्रैप पे जो रेलवे स्टेशन आता था वो ये है। बहुत ही खूबसूरत शहर है नौकोट। यहाँ से ये ट्रेन जमड़ाऊ से आ रही होती थी तो यहाँ से आती थी, और इस तरफ ये जाती थी कुंडरी की तरफ, और कुंडरी से और पिथौरो से आ रही होती थी तो यहाँ से आती थी। ये इस पे लिखा हुआ है KM86, ये हालात में बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये कुछ लिखा हुआ है, ये रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर थोड़ा सा शेड भी लगा हुआ है प्लेटफार्म पर। ये बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, यहाँ नाम लिखे जाते थे शायद। और ये दूसरा कमरा है, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, जनाना लिखा हुआ है शायद, वेटिंग रूम लेडीज। और इस तरफ है इंतजारगाह, दर्जाए अव्वल, मर्दाना। और ये शायद स्टेशन मास्टर का कमरा था, तो इसकी भी अब ये हालत है। और सामने ये शहर है नौकोट का, जो बिल्कुल थर, इससे आगे फिर थर है। ये प्लेटफार्म है, यहाँ आके ट्रेन रुकती थी। यहाँ से आती थी